आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं उसका नाम मैलिग्नेंट है। ये साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में आपको सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा और हॉरर सभी एक साथ देखने को मिलेगा। तो बिना देर करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी साल 1993 से शुरू होती है, जहां हमें सिमियो रिसर्च हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। यहां डॉक्टर फ्लोरेंस वेबर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वह बताती है कि गैब्रियल जितना बड़ा होता जा रहा है वह उतना ही ताकतवर भी होता जा रहा है। तभी वहाँ एक स्टाफ आ जाता है और वो बताता है कि गैब्रियल बाहर आ गया है और वह हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। डॉक्टर तुरंत वहाँ चली जाती है। वह बेहोशी का शॉट रेडी करने को कहती है। एक स्टाफ गैब्रियल को इंजेक्ट करने के लिए दरवाज़ा खोलता है, पर गैब्रियल उससे जख्मी कर देता है। डॉक्टर जल्दी से बेहोशी का शॉट गैब्रियल को इंजेक्ट कर देती है। वह कमरे में आकर देखती है तो पाती है कि गैब्रियल ने सारे स्टाफ को मार दिया है। वह स्टाफ से गैब्रियल को चेयर से बांधने को कहती है। वह गैब्रियल से कहती है कि अब तुम बहुत बदमाश हो गए हो। गैब्रियल सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने वश में कर लेता है और वह रेडियो के सहारे कम्युनिकेट करके कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। डॉक्टर को यह घटना देखकर लगता है कि वह गलत थी। उन्हें लगता था कि वह इसे ठीक कर देंगी। अब वह कहती है कि समय आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। इसके बाद हमें कुछ सर्जरी के सीन्स दिखाए जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हमें एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मेडिसन होता है। उसका पहले 3 बार मिसकैरेज हो चुका होता है, इसीलिए वह इस बार अपना बहुत ख्याल रखती है। बातों ही बातों में उसका अपने पति डेरेक से झगड़ा हो जाता है। डेरेक मेडिसन के सर को दीवार पर मार देता है, जिससे मेडिसन के सर से खून निकलने लगता है। डेरेक बहुत घबरा जाता है, वह दवाई लेने चला जाता है। इस घटना से मेडिसन बहुत डर जाती है और वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। डेरेक उसे बार बार माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि जो कुछ हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह गलती से हो गया। इसके बावजूद मेडिसन दरवाज़ा नहीं खोलती और वह रोने लगती है। रात को दिखाया जाता है कि मेडिसन अपने कमरे में सो रही होती है, जबकि डेरेक हॉल के सोफे पे। तभी डेरेक को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। उसे लगता है कि शायद मेडिसन होगी। वह देखने के लिए उठता है। तभी किचन से ग्राइंडर के चलने का आवाज़ आने लगता है। वह वहाँ जाकर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि ये सब कैसे हो रहा है। उसे अब मेडिसन की चिंता होने लगती है। तभी टीवी भी अपने आप ऑन हो जाता है। उसे सोफे पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। जब वह लाइट ऑन करके देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वह पूरे घर में चेक करने लगता है पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी अचानक उस पर कोई पीछे से हमला कर देता है। इससे मेडिसन भी जाग जाती है। वह देखती है कि उसके तकिए पर खून लगा है, जो कि उसके सर से निकला होता है। वह नीचे आकर डेरेक को आवाज़ लगाने लगती है। तभी उसे डेरेक की लाश मिलती है, जो कि बहुत अजीब हालत में होता है। तभी उसके पीछे से कोई मेडिसन की तरफ बढ़ता है, जिससे मेडिसन बहुत डर जाती है और वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वह शख्स जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। डर के कारण मेडिसन बेहोश हो जाती है। सुबह के 4 बजे वहाँ पुलिस आ जाती है। पड़ोसियों से उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई घुस गया था। वे लोग मेडिसन को हॉस्पिटल भेज देते हैं। उन्हें वहाँ डेरेक की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। मेडिसन को अब होश आ जाता है। बगल में ही उसकी बहन सिडनी बैठी होती है, जिससे उसे पता चलता है कि डेरेक नहीं रहा, साथ ही उसका बच्चा भी नहीं बच पाया। यह जानकर उसे बहुत दुख होता है। अब वहाँ पुलिस ऑफिसर के कुआ आ जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तभी उसकी मुलाकात सिडनी से होती है। किकुआ उसे बताता है कि मुझे डॉक्टर से पता चला है कि यह इनका पहला मिसकैरेज नहीं था, बल्कि इससे पहले भी इनका 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, पर इस बारे में सिडनी को कुछ भी मालूम नहीं होता है। अब डेरेक के डेड बॉडी का जांच हो रहा होता है तो पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। डेरेक के बॉडी पर सारे निशान उल्टे हाथ के थे। पुलिस को घर में किसी और के होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पड़ोसियों से उन्हें पता चलता है कि डेरेक मेडिसन पर हाथ उठाया करता था। इन सारी बातों के आधार पर वे लोग अब मेडिसन पर शक करने लगते हैं। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सिडनी मेडिसन को लेकर घर आ जाती है। वह कहती है कि कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाती हूँ। रात को जब मेडिसन नहाकर बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर का स्ट्रीट लाइट अपने आप चालू बंद हो रहा है। ध्यान से देखने पर उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वह बहुत डर जाती है और वह अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इसके बाद वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। मेडिसन जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में आ जाती है। वह अपने आप से कह रही होती है कि यह सिर्फ मेरा एक भ्रम है। सुबह मेडिसन घर के सारे खिड़की दरवाजे पर स्ट्रांग लॉक लगा देती है। अब वहाँ सिडनी आ जाती है। वह दरवाज़ा खोलती है तो वो नहीं खुलता। मेडिसन उस दीवार को देख रही होती है जिस पर डेरेक ने उसका सर मारा था। तभी खिड़की के पास सिडनी आ जाती है, जिसे देखकर मेडिसन डर जाती है। सिडनी उसके लिए मॉम के हाथ का बनाया हुआ खाना लाती है। मेडिसन सिडनी को दीवार दिखाते हुए कहती है कि यहाँ डेरेक ने मेरे सर को मारा था। इस पर सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ कि वह मर गया, वह तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। मेडिसन को अपने बच्चे को ना बचा पाने का बहुत अफसोस होता है। वह कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिर खून का रिश्ता कैसा होता है। वह बताती है कि मैं तुम्हारी अडॉप्टेड बहन हूँ। मेरी उम्र 8 साल थी जब मॉम डैड मुझे अपने घर लेकर आए।
उन्होंने बताया कि मेरी असली मौत मुझे जन्म देते वक्त मर गई थी। 8 साल पहले का मुझे कुछ भी चीज़ याद नहीं है। यह जानकर सिडनी शॉक्ड हो जाती है। अब हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सिरेना मी होता है। वह सिएटल के पुराने शहर की एक टूर गाइड होती है। वह बताती है कि यह शहर नए शहर के ठीक नीचे है। 1889 में भयंकर आग लगने के कारण शहर के लोगों ने तय किया कि नए शहर को ठीक इसके ऊपर बनाया जाए ताकि कभी बाढ़ ना आ सके। वह अपना काम खत्म करके लाइट्स ऑफ करने लगती है, तभी उसे किसी मेटल के गिरने का आवाज़ सुनाई देता है। उसे लगता है कि कोई घूमने आया है, इसीलिए वह कह देती है कि टूर बंद हो गया है। लेकिन उससे सामने वाले की कोई आवाज़ नहीं आती। वह अब उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगती है, तभी उससे एक भयंकर आवाज़ सुनाई देती है। वह बहुत डर जाती है। वह जल्दी से जाकर लाइट्स ऑन कर देती है, तभी ऊपर से कोई शख्स आकर उसे दबोच लेता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को बंधी हुई पाती है। वह शख्स उसे रेडियो की हेल्प से कॉन्टैक्ट करता है। वह कहता है कि तुम नहीं जानती कि मुझे इस पल का कब से इंतजार था। मैं तुम्हें मार दूंगा, पर उससे पहले मैं डॉक्टर वेबर को मारूंगा। अब हमें डॉक्टर वेबर का घर दिखाया जाता है। उसे उसी शख्स का फ़ोन आता है। वह कहता है कि वक्त आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। डॉक्टर वेबर यह सुनकर सोच में पड़ जाती है, इसीलिए वह एक फाइल निकालती है और एक फ़ोटो को बड़े गौर से देखने लगती है। मेडिसिन गंदे कपड़े धोने के लिए उसे इकट्ठा करने लगती है। वहाँ एक रेडियो बज रहा होता है, तभी उस रेडियो के साउंड में डिस्टॉर्शन आ जाता है। वह इसे इग्नोर कर वॉशिंग मशीन के तरफ बढ़ती है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई अभी अभी सीढ़ियों से गुजरा हो, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है और उसे एक बेलरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। वह देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है। वह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है, तभी उसे डॉक्टर वेबर का चेहरा दिखता है। वह कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। इस पर मेडिसिन कहती है कि ये मेरा घर है। मेडिसिन को फील होता है कि वह फ्रीज हो गई है, वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। तभी उसके सामने से एक काला कोट पहने आदमी डॉक्टर वेबर की ओर बढ़ता है और उसे सर से उठाकर जमीन पर पटक देता है। अचानक मेडिसिन का घर बदल जाता है। वह अपने आप को किसी और के घर में पाती है। वहीं टीवी से आवाज़ आता है कि वक्त आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। वह शख्स डॉक्टर वेबर को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। वह ट्रॉफी को उठाकर डॉक्टर वेबर को मार देता है। यह देखकर मेडिसिन चीख पड़ती है। वह अब अपने आप को अपने घर में पाती है। पुलिस डॉक्टर वेबर के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां ट्रॉफी का आधा हिस्सा मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद ट्रॉफी से ही खून किया गया होगा। केकुआ को वहाँ एक छोटी बच्ची का फोटो मिलता है। उस फोटो के पीछे चाइल्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी लिखा होता है। पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। वह काले कोट वाला शख्स ट्रॉफी को पीट कर उसका हथियार बनाने लगता है। बंधी हुई औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वह शख्स उसकी तरफ उस हथियार को फेंक कर उसे चेतावनी देता है कि भागने की कोशिश भी मत करना। मेडिसिन की हालत न्यूज़ सुनने के बाद से बहुत बुरा हो जाता है। वह सारी बातें अपनी बहन सिडनी को बता देती है। वह कहती है कि मैंने डॉक्टर वेबर को मरते हुए देखा उसी के घर में। मुझे नहीं पता कि यह कैसे पॉसिबल है, पर मैं सच कह रही हूँ। पुलिस डॉक्टर वेबर के यहाँ से लाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगते हैं। एकवा उस छोटी बच्ची का फोटो अपने दोस्त को दे देता है और कहता है कि इसकी उम्र बढ़ाकर 30 साल कर दो। अब हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वह फ़ोन पर डॉक्टर वेबर के डेथ के बारे में बात कर रहा होता है, तभी फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाता है। वह देखता है कि खिड़की खुला हुआ है, जिससे कि बारिश का पानी घर के अंदर आ गया है। पानी दूसरे कमरे तक पहुंच चुका होता है, इसीलिए वह पानी को साफ करने लगता है। अब वह सोने चला जाता है। मेडिसिन अपने कमरे में सो रही होती है। जैसे ही वह करवट बदलती है तो वह अपने बगल में एक बूढ़े आदमी को पाती है, जिससे डर के कारण उसकी चीख निकल जाती है। काले कोट वाला आदमी मेडिसिन के ऊपर से चलकर उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ता है। एक बार फिर मेडिसिन फ्रीज हो जाती है और उसका घर भी बदल जाता है। इस बार मेडिसिन ने उस काले कोट वाले आदमी का चेहरा देख लिया होता है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है, जिसके कारण मेडिसिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सिडनी उसके पास आ जाती है। मेडिसिन की हालत बहुत बुरी होती है। सिडनी को तकिए पे खून दिखता है, जो कि मेडिसिन के सिर से निकला होता है। मेडिसिन सिडनी को बताती है कि मैंने उसे एक बूढ़े आदमी को खून करते हुए देखा। वे लोग अब पुलिस के पास चले जाते हैं। मेडिसिन अपने साथ हुए घटना को उनको बताती है, पर उसकी बात पर वे लोग भरोसा नहीं करते। केकोवा के पूछने पर मेडिसिन बताती है कि उस काले कोट वाले आदमी ने इस बार सिल्वर कप अपार्टमेंट नॉर्थ बीकॉन हिल के सामने एक बूढ़े आदमी को मारा है। पुलिस वहां जाने का फैसला करते हैं। वे अब उस बिल्डिंग में चले जाते हैं और सारे कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें एक कमरा खुला हुआ मिलता है। वे लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। मेडिसिन उस काले कोट वाले आदमी का स्केच बनवाती है, जो कि एक भूत की तरह दिख रहा होता है। मेडिसिन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है, तभी वॉशरूम का लाइट्स ऑफ हो जाता है। उसे एक अननोन आदमी का कॉल आता है। सामने वाला आदमी मेडिसिन को एमली कहकर एड्रेस करता है। यह नाम सुनकर वह डर जाती है और वह उसे कहती है कि मेरा नाम मेडिसिन है।
वो आदमी कहता है कि यह नाम तुम्हें तुम्हारे नकली माँ बाप ने दिया है, असली नाम तुम्हारा एमिली है। वह कहता है कि तुम्हें बताया गया था कि मैं तुम्हारा भ्रम हूँ और तुमने इसे सच मान लिया, अब मैं उन सब से गिन गिन कर बदला लूंगा। यह सुनकर मेडिसन डर जाती है और वह उस आदमी को गैब्रियल कहकर ऐसा करने से मना करती है। अपना नाम सुनकर गैब्रियल हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं कौन हूँ, अब मैं सबको मार दूंगा। इसके बाद मेडिसन अपनी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन से चली जाती है। तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है जिसे केकोवा ने उस छोटी बच्ची का उम्र बढ़ाने को कहा था। वह बताता है कि मैंने फोटो तुम्हारे डेस्क पर रख दिया था। केकोवा जैसे ही फोटो देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि मेडिसन की होती है। केकोवा को पता चल जाता है कि मेडिसन डॉक्टर वीवर की एक पेशेंट रह चुकी है। मेडिसन सिडनी को उस अननोन कॉल के बारे में बताती है। इस पर सिडनी कहती है कि हमें तुरंत पुलिस को बता देना चाहिए, वे उस आदमी को ट्रेस कर सकते हैं। मेडिसन कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस को लगता है कि मैं ही खूनी हूँ। उस आदमी का नाम गैब्रियल है और वह मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है जो मुझे याद नहीं है। वे अब अपनी माँ के पास आ जाते हैं। उनसे मेडिसन अपने अडॉप्शन के बारे में पूछती है। वह उनसे पूछती है कि मेरा कोई छोटा भाई या फिर कोई बहन थी। इस पर उसकी माँ निगेटिव में जवाब देती है। तो मेडिसन पूछती है कि फिर ये गैब्रियल कौन है। यह नाम सुनकर उसकी माँ गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर उसकी माँ उसे उसके बचपन की एक वीडियो दिखाती है। उसके बर्थडे पर उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स को बुलाया जाता है पर कोई नहीं आता। कैंडल ब्लो करने के बाद वह किसी से बात करने लगती है पर वहाँ उसके मॉम और डैड के अलावा कोई और नहीं होता। उससे मेडिसन कह रही होती है कि नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। उसके मॉम डैड उसे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। वह बताती है कि गैब्रियल से। उसकी मॉम डैड को लगता है कि गैब्रियल इसका बस एक भ्रम है। क्रिसमस के दिन मेडिसन अपने टॉय फोन से गैब्रियल से बात कर रही होती है। उसकी माँ मेडिसन को बताती है कि हमें लगता था कि बचपन में तुम्हें बहुत सारी परेशानियाँ थी, शायद इसीलिए उन सब से बचने के लिए तुमने अपने दिमाग के अंदर गैब्रियल को बना लिया है। इधर केकोवा को डॉक्टर वीवर के पास से मेडिसन के बारे में एक पेन ड्राइव मिलता है। वीडियो में डॉक्टर वीवर बता रही होती है कि एमिली को यहाँ आए हुए 7 साल हो चुके हैं। उसे शैतान की आवाज़ें और कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। उन्होंने एमिली को ठीक करने के लिए डॉक्टर जॉन और डॉक्टर विक्टर को भी बुलाया होता है, जिनमें से अभी तक डॉक्टर वेवर और डॉक्टर विक्टर मर चुके होते हैं। केकोवा इंटरनेट से डॉक्टर जॉन के बारे में जानकारी जुटाता है। मेडिसन अपने बाथरूम में ब्रश कर रही होती है। जब वह मिरर में देखती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। एक बार फिर उसके आसपास की चीज़ें बदलने लगती है और वह अपने आप को डॉक्टर जॉन के सामने पाती है। डॉक्टर जॉन बाथटब में बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं। तभी गैब्रियल मेडिसन के पीछे से हाथ में वही ट्रॉफी से बना हथियार लिए निकलता है। केकोवा भी उस डॉक्टर जॉन के बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। केकोवा गन लेकर डॉक्टर जॉन को ढूंढने लगता है। तभी उसे डॉक्टर जॉन की लाश मिलती है। मेडिसन केकोवा को देख लेती है पर वह हिल नहीं पा रही होती है। वहाँ केकोवा को मेडिसन नहीं दिखती है। मेडिसन उसे बताती है कि गैब्रियल अभी भी यहीं पर केकोवा को उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तभी पीछे से गैब्रियल केकोवा पर हमला कर देता है। केकोवा उसकी शक्ल देख लेता है। वह बिल्कुल स्केच वाले आदमी से मैच कर रहा होता है जिसे मेडिसन ने बनवाया होता है। गैब्रियल केकोवा को स्टैप करके वहाँ से भागने लगता है। केकोवा उसका पीछा करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये गैब्रियल कैसी चीज़ है। गैब्रियल अब वही सिएटल के अंडरग्राउंड वाले शहर के अंदर चला जाता है। केकोवा भी उसका पीछा करता है। उस पर वह कई सारी गोलियां भी चलाता है पर गैब्रियल वहां से भाग निकलता है। सुबह सभी मेडिसन के घर पर होते हैं। केकोवा मेडिसन को बताता है कि जिन 3 डॉक्टर्स का खून हुआ है वे सभी एक ही केस पर काम कर चुके थे और वह केस तुम्हारा है, वे तुम्हारे डॉक्टर्स थे। पर मेडिसन को अडॉप्शन के पहले का कोई भी चीज़ याद नहीं होता है। वह बताता है कि तुम्हारा बचपन का नाम एमिली था। इस पर मेडिसन कहती है कि गैब्रियल भी मुझे इसी नाम से बुलाता है। अब एक साइकेट्रिस्ट मेडिसन को हिप्नोटाइज करके उसके पास्ट की यादों में भेज देती है। वह बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी हालत अब ठीक है, इसीलिए मेरे नए पेरेंट्स मुझे अडॉप्ट करने के लिए आए हैं। वे मुझे अपने घर लेकर आ गए हैं पर गैब्रियल भी मेरे पीछे पीछे आ गया है। डॉक्टर पूछती है कि ये गैब्रियल कौन है, ये तुम्हारा दोस्त है। मेडिसन कहती है कि वह भी यही कहता है पर वह सिर्फ मुझे सुनाई देता है। बचपन में केक खराब गैब्रियल ने किया होता है पर उसका इल्ज़ाम मेडिसन पर लगता है और उसे बहुत डांट पड़ती है। मेडिसन के टॉय फोन पर गैब्रियल का फ़ोन आता है। मेडिसन उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है पर गैब्रियल उसे उसके माँ बाप को मनाने के लिए एक ट्रिक बताता है। वह कहता है कि तुम केक काटकर उन्हें दे दो, इससे वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। मेडिसन चाकू से केक काटने लगती है। तभी उसके आसपास की चीज़ें बदलने लगती है। अचानक वह अपने आप को मॉम डैड के कमरे में पाती है। उसके हाथ में चाकू देखकर उसकी मॉम जोर से उसका नाम लेती है। तभी मेडिसन रियलिटी में वापस आ जाती है या चिल्लाते हुए कि मैंने नहीं किया, ये सब गैब्रियल ने किया। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वह बताती है कि मुझे याद आ गया है, ये सब पहले भी हो चुका है। गैब्रियल बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था क्योंकि अगर कोई और उसकी ज़िंदगी में आ गया तो मेडिसन को गैब्रियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ठीक ऐसा ही हुआ। सिडनी के जन्म के बाद गैब्रियल मेडिसन के दिमाग में कहीं गुमसा गया।
पर अब वह वापस आ गया है। दूसरी तरफ वह बंधी हुई औरत अपने आप को रस्सी से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। जब वह भागने लगती है तो वह सीधा मेडिसन के रूम में गिरती है। गैब्रियल ने उस औरत को मेडिसन के घर में ही छुपाया होता है। पुलिस अब एक महिला को अपने घर में बांध कर रखने के जुर्म में मेडिसन को अरेस्ट कर लेती है। उस औरत को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पुलिस को मेडिसन के घर पर गैब्रियल का काला कोट और ट्रॉफी से बना हथियार भी मिलता है जिसे गैब्रियल खून किया करता था। अब पुलिस मेडिसन से पूछताछ करने लगती है। इसी बीच मेडिसन की हालत खराब होने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है जिसके कारण सारे बल्ब्स टूट जाते हैं। केकुआ को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मेडिसन कहती है कि गैब्रियल को तुमसे बात करनी है। वह फोन स्पीकर पर रखता है। डिटेक्टिव कॉल को रिकॉर्ड करने लगती है। केकुआ उससे पूछता है कि तुम कौन हो। गैब्रियल कहता है कि तुम मुझे जानते हो, तुम मुझ तक पहुँच गए थे। गैब्रियल उसे अपना काला कोट और हथियार मांगता है। केकुआ पूछता है कि ये सारी चीज़ें तुमने मेडिसन के घर के अंदर क्यों रखा, क्या तुम मेडिसन को फंसाना चाहते थे। गैब्रियल कहता है कि मैं मेडिसन के दिमाग का फितूर हूँ। गैब्रियल केकुआ को मेडिसन से पूछने के लिए कहता है कि वह उसे क्या कहकर बुलाती थी। इस पर मेडिसन कहती है कि शैतान। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। सिडनी अपने मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम की ये आदत थी कि सारी पुरानी चीज़ों को वह संभाल कर रखती थी। सिडनी को उस अडॉप्शन एजेंसी का पता चल जाता है जहाँ से इमली को अडॉप्ट किया गया होता है। उनके हेल्प से उसे उस हॉस्पिटल का पता चल जाता है जहाँ इमली का ट्रीटमेंट हुआ था। उसे पता चलता है कि यह हॉस्पिटल बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अब ये एकदम सुनसान पड़ा है। सिडनी ड्राइव करके वहाँ जाने लगती है। उसे वह हॉस्पिटल दिख जाता है। वह उसके अंदर चली जाती है। वहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं होता है, सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। उसे पता चलता है कि सारे रिकॉर्ड्स बेसमेंट में हैं। मेडिसन को अब जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहाँ एक से बढ़कर एक बिगड़ैल लोग भरे पड़े होते हैं। सिडनी को एमली का रिकॉर्ड मिल जाता है। वहाँ उसे एक सीडी भी मिलता है जिसे लेकर वह घर आ जाती है। वह सीडी अपने मॉम के साथ देखने लगती है। उसमें डॉक्टर वेवर बता रही होती है कि सिरेना में नाम की 15 साल की लड़की एक के साथ रेप हुआ था जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हो गई और उसने अपने बच्चों को हॉस्पिटल को सौंपने का फैसला किया। इसके बाद हमें सिरेना मे को दिखाया जाता है। वह बताती है कि वह अकेले बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती है, वह बहुत भयानक है, इसीलिए वह उन्हें अपने पास नहीं रख सकती। डॉक्टर से वह एमली का ख्याल रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर हमें पता चलता है कि सिरेना में और कोई नहीं बल्कि वह वही टूर गाइड है जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया था। अभी वह कोमा में होती है। पुलिस को भी ये पता चल जाता है कि यह मेडिसन की असली मॉम है। सिडनी अब दूसरा टेप लगाती है जिसमें हमें एमली को दिखाया जाता है। एमली कुछ बोलने से डर रही होती है। डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि तुम डरो मत, गैब्रियल को नींद का इंजेक्शन दिया गया है, वह नहीं जागेगा, शायद इसलिए तुम्हें भी नींद आ रही है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि तुम कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो गई हो। एमली बताती है कि गैब्रियल मुझे कुछ ना कुछ करने को कहता रहता है। डॉक्टर पूछते हैं तो क्या इसीलिए तुमने बॉबी को मारा, पर बॉबी तो तुमसे साइज में बहुत बड़ा है। एमली कहती है कि मुझे गैब्रियल स्ट्रांग बनाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या वह तुम्हें बोलकर बताता है। एमली कहती है कि कभी कभी बोलकर, कभी कभी उसके दिमाग में अचानक से थॉट्स आ जाते हैं जो कि बाद में उसके फीलिंग्स बन जाते हैं। वह बताती है कि गैब्रियल सिर्फ अच्छा होने का नाटक करता है पर असल में वह एक शैतान है। डॉक्टर कहते हैं कि अब हम गैब्रियल को जगाने जा रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि गैब्रियल और एमली एक हैं। डॉक्टर वेवर बताती है कि गैब्रियल ट्यूमर का एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसके खुद के दांत, बाल, मसल्स और बोन्स हैं। वह परजीवी जुड़वा है। जब गर्भ में दो एम्ब्रॉयज अलग नहीं हो तब एक जुड़वा शक्तिशाली होता है और एक कमजोर। गैब्रियल बस एक जीता जागता ट्यूमर है। डॉक्टर सब गैब्रियल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे फैसला करते हैं कि वे कैंसर को काट कर फेंक देंगे। क्योंकि गैब्रियल का दिमाग और एमली का दिमाग जुड़ा हुआ होता है इसलिए सारा ट्यूमर निकाल पाना मुश्किल था। इसीलिए वे फैसला करते हैं कि वह जितना ट्यूमर निकाल सकते हैं उतना निकाल देंगे और बाकी को सर के अंदर दबा देंगे। जेल में अब सारे कैदी मेडिसन को परेशान करने लगते हैं। वे लोग मेडिसन को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। उसे वहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता है जिससे उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। वह अपने सर को खोलकर गैब्रियल को बाहर निकाल देती है। अब उसका पूरा बॉडी गैब्रियल के कंट्रोल में आ जाता है। अब गैब्रियल एक एक करके सबको मारने लगता है। सारे कैदी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है, उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सिडनी केकुआ को फ़ोन करके बता देती है कि गैब्रियल मेडिसन के अंदर है। वह हमेशा से मेडिसन के बॉडी को एक पपेट की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है। बचपन में गैब्रियल को मेडिसन के दिमाग के अंदर दबा दिया गया था पर जब डेरेक ने उसके सर को दीवार पर मारा तब वह वापस जाग गया। सिडनी मेडिसन के असली मॉम के पास जाने लगती है क्योंकि उन्हें ही सारी सच्चाई मालूम होती है। गैब्रियल अब अपना काला कोट और हथियार ढूंढने लगता है। वह अपना काला कोट पहन लेता है और हथियार लेकर कमरे के बाहर आ जाता है। सारे पुलिस वाले मेडिसन को ढूंढने लगते हैं। गैब्रियल एक एक करके सारे पुलिस वाले को मारने लगता है। केकुआ मेडिसन को आवाज़ लगाता है। मेडिसन अभी भी जेल में बैठी हुई होती है। तभी उसे केकुआ अपनी तरफ आता हुआ दिखता है।
केकुआ उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और तभी गैब्रियल पोजीशन चेंज कर लेता है और वह केकुआ पर हमला कर देता है। केकुआ और डिटेक्टिव दोनों घायल हो जाते हैं और गैब्रियल वहां से भाग जाता है। सिडनी अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है पर गार्ड उसे पेशेंट के कमरे में जाने से रोक देता है। तभी उस गार्ड को हार्ट अटैक आ जाता है, उसके चेस्ट में पेसमेकर लगा होता है। अचानक वह पेसमेकर फट जाता है और गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। सारे लाइट्स भी ऑफ हो जाते हैं। अचानक सिडनी के आगे गैब्रियल आ जाता है, वह उसके बाजू पर हमला कर देता है जिसे देखकर मैडिसन चीख पड़ती है। गैब्रियल स्पीकर के जरिए सिडनी को बताता है कि मैंने तुम्हें आखिरी के लिए बचा रखा है। तभी सिरेना मे को होश आ जाता है, वह गैब्रियल से माफ़ी मांगने लगती है उसे अपने से दूर करने के लिए। तभी वहाँ केकुआ आ जाता है और वह गैब्रियल पर गोली चला देता है। सिडनी उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि यह गोली मैडिसन को भी लग रही होती है। सिडनी गैब्रियल के आगे गन तान देती है। गैब्रियल सिडनी की तरफ टेबल फेंक देता है जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाती है। यह देखकर मैडिसन डर जाती है। सिडनी मैडिसन से हेल्प मांगती है। वह कहती है कि किसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है। यह खुद को ताकतवर बनाने के लिए उनका खून सोख रहा था। अब मैडिसन अपने आप पर कंट्रोल करने लगती है। गैब्रियल सिडनी को गोली मार देता है और वह सिरेना को भी मार देता है। तभी उसे मैडिसन की आवाज़ आने लगती है। मैडिसन ने गैब्रियल को एक इल्यूजन दिखाया होता है। सिडनी और सिरेना अभी भी जिंदा होते हैं। मैडिसन कहती है कि ये ब्रेन मेरा भी है। गैब्रियल कहता है कि तुमसे जुड़कर पैदा होना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। तुम इस शरीर के लायक नहीं हो। यह मेरा शरीर होना चाहिए था। इस पर मैडिसन कहती है कि अब मैं तुमसे अपना दिमाग, अपना शरीर, सब कुछ वापस ले रही हूँ। गैब्रियल कहता है कि मैं वापस आऊँगा। इस पर मैडिसन कहती है कि अगली बार मैं इसके लिए तैयार रहूँगी। अब गैब्रियल मैडिसन के दिमाग के अंदर कैद हो जाता है। मैडिसन सिडनी को उस भारी टेबल से बाहर निकाल देती है। मैडिसन को अब एहसास हो जाता है कि जिस खून के रिश्ते के लिए वह इतना तड़पी, उससे भी बढ़कर उसके पास हमेशा से एक रिश्ता था। वह सिडनी से कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार करूँगी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।